दोस्तों नमस्कार। हम लोग इस समय डेरा बस्सी में हैं, गांव हरिपुर हिंदुआ में, और हमारे साथ भाई सौरभ हैं। सौरभ, आपने ये देसी गाय का फार्म डेवलप किया है, और क्या पढ़ाई की सौरभ आपने पहले? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा, और लगभग 3 साल पहले हमने शुरू किया था। तो आपको एक अभी आप सभी गायों का नाम लेके बुला रहे थे, एक बार सबका इंट्रोडक्शन करा दीजिए। 27 नंबर गाय का नाम है, 27 नंबर। ये सुंदरी है। सुंदरी, सुंदरी। अच्छा, ये चप्पी है। अच्छा, ये रामगढ़। रामगढ़, रामगढ़। अच्छा अच्छा, इसका क्या नाम है? झूमर है ये। झूमर, ये एक सिंग वाली। अच्छा, ये बड़क है। बड़क, ये बड़क क्यों है इसका नाम? ये इसको सब पहले चाहिए, सब कुछ पहले चाहिए होता है। सब कुछ पहले चाहिए होता है। ये बड़ी लक्ष्मी है। अच्छा, ये छोटी लक्ष्मी, दोनों बहनें हैं। अच्छा, एक ही मदर है। ये सरपंच, इसका नाम बीमारी। बीमारी, इसका नाम क्यों? बीमारी क्यों है इसका नाम? ये जब आई थी थन में प्रॉब्लम, बीमार हो गई थी। अच्छा, इसका नाम ही बीमारी रख दिया। अच्छा, ये जोधा सिंह है हमारा। अच्छा, ओ इसे थोड़ा। अच्छा, ये जोधा सिंह है, एक सिंगल की बच्ची है। अच्छा, इसका नाम टॉप नंबर वाली है। अच्छा, ये हमारी लाडो है। ये लाडो, ये बकरी है, ये गुलाब है, ये लंबो है, ये मोपटी है, इसका नाम मुझे रखा नहीं, और ये है चुंगी, और वो है आरती। बहुत बढ़िया। और ये छोटे बच्चे हैं क्या सारे? हाँ, ये अभी इनका होने, सारे छोटे बच्चे हैं, फिर बीच वाले बच्चे हैं। बहुत ही साफ सफाई से आपने फार्म डेवलप किया है सौरभ, और कैसा एक्सपीरियंस रहा? 3 साल कैसे कटे? बस ठीक है, अभी लगे हुए हैं। फिर भी मतलब ये जो फार्मिंग इज नॉट ए प्रोफेशन, इज अ वे ऑफ लाइफ टू लिव। ठीक बात। बस ठीक है कि ये नई चीज डेवलप कर रहे हैं, कुछ लोगों को सिखा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, मतलब गांव के अंदर नस्ल चेंज होने लगी है लोगों को। अच्छा, तो आपने क्या सीखा है 3 सालों में? आपकी लर्निंग क्या रही? मेरी लर्निंग ये रही कि बस मेन की इस बिजनेस को आप, डेयरी बिजनेस जो हमेशा लॉस में चलता है, और जो फार्मर लॉस में, आप उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे उठा सकते हैं। अच्छा, कैसे प्रॉफिट? तो क्या अभी आपका जो फार्म है, कुछ प्रॉफिट में आया है? अभी प्रॉफिट में नहीं है, अभी लॉस में भी नहीं है। लॉस में भी नहीं है? हाँ जी। अच्छा, तो अभी बच्चे तैयार हो रहे हैं, अभी ब्रीडिंग शुरू हुई है। अच्छा, ब्रीडिंग लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा 6-7 साल कम से कम आपको स्टेबिलिटी लाना, स्टेबिलिटी आ जाएगी। इसमें अच्छी चीज क्या लगती है आपको, जिसमें आपको जो आपको मतलब जो इनके प्रेगनेंस है गाय के ना, अगर आप सुबह उठो शांति में, तो ये फील करते हैं आप। एनिमल बहुत इंटेलिजेंट है, और टू द नेचर आप टच कर इंडस्ट्री। आजकल हम बात करते हैं, लोग कहते हैं हमारे गायों की यील्ड कम है, और हम बाहर से फॉरेन से गायें ला रहे हैं। हाँ, वो क्या ड्रामा है? वो ये है, बाय 80s लगा लो कि जब शहर बसने लगे, पहले क्या होता था, हर घर के अंदर गाय होती थी, भैंस होती थी, कोई गायन होता मिल्क के लिए, चाहे कोई भी है। तो बाय 80s जब शहर बसने लगे, तो अपने दूध की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम लोगों ने उस टाइम पे बाहर से गाय लिए, हमने अपने गाय पे काम नहीं किया। उस गाय की और इस गाय के नेचर में क्या फर्क है? सर, वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल है। अच्छा, जो आपके शरीर के अंदर सेल्स मल्टीप्लाई करके, नहीं मैं तुरंत साइंस में नहीं जाता उसकी। हाँ, उसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है? वो कुछ नहीं, वो डल एनिमल है, उसको मशीन है, मशीन वो खाएगी, गोबर करेगी, दूध देगी, बस सब कुछ, बस उसमें फीलिंग्स नहीं है। अंदर फीलिंग्स नहीं है, इसके अंदर प्रॉपर फीलिंग्स है एज एन एनिमल, बट वो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। मेन उसका वही है कि उसने खाया, निकाला, वो किया। अब ये है, ये बेसिकली क्या इनका कहते हैं, हम पे इनकी हम होती है, छालर होती है, इसके अंदर विटामिन, सिर्फ ऐसा सोर्स विटामिन आफ्टर दूध के, और सबसे ज्यादा देसी गाय के दूध में जो गर्मी नहीं लगती, बीमारियां बहुत कम लगती, बीमारियां लगती इनको। इनके एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, HIV की मेडिसिन डालने की कोशिश चल रही है, बहुत ज्यादा HIV इन्फेक्शन डाला गया, बट इनको HIV नहीं हुआ। ठीक बात है।
बाकी अब इनके ऊपर धीरे धीरे अब काम शुरू हुआ है, होपफुली धीरे धीरे अपना अच्छा यील्डिंग में आ जाए। तो जो किसान है वो देसी गायें पाल के भी गुजारा कर सकता है? कर सकता है, बट वही किसान अनएजुकेटेड है और उसको समझाना कि आप अपना खाद कैसे बना सकते हो, लिक्विड के अंदर कैसे कर सकते हो, इस चीज को सील कैसे कर सकते हो। तो मेन है कि एक जो बीच की मार्केट है कस्टमर और फार्मर की, जब तक वो गैप नहीं पूरा होता होता तब तक। अच्छा, आप दूध कैसे बेचते हो? हमारा मार्केटिंग है खुद की, खुद की मार्केटिंग है। 100 रुपीज का लीटर बेचते हैं दूध। कहाँ पंचकुला सप्लाई है? लोग घर पहुँचाते हो? हाँ, घर पहुँचाते हैं, डोलो सिस्टम है। डोलो सिस्टम है, हाँ जी। तो वही हम लोगों को बता रहे कि हम आपको मिल्क दे रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि 40-50 रुपए मिल्क मिलता है, तो गलत है। आप 20 रुपए पानी की बॉटल खरीदते हो, उसमें क्या लगता है? ठीक बात है। इसके अंदर फार्मर की मेहनत है, इनका खाना है, बहुत कुछ है, डेली सुबह का इतना सब कुछ है इनके। ठीक बात है। तो उसी से जब तक कस्टमर नहीं अवेयर होएगा, रादर क्या बाहर का और आपके जो ग्राहक है वो अवेयर है? हाँ, मैक्सिमम 90% मेरे ग्राहक खुद अवेयर है, खुद अवेयर है। क्योंकि जिसको नॉलेज है वो खुद ही आपको अप्रोच कर लेते हैं। ठीक बात है। तो अभी जब आपने शुरू किया था तब और अब में क्या फर्क है मार्केट के सिनेरियो का? नॉलेज बढ़ रही है, ऑर्गेनिक का बढ़ रही है, टाइम लोग बीमार पड़ रहे हैं बेसिकली। हाँ। हर घर में बीमारी है, कोई ब्लड की है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को कैंसर है, मतलब कैंसर जैसी बीमारी भी नॉर्मल। उसको उसके जो जो पेशेंट है वो लेते हैं तो उनको फर्क पड़ता है गाय का दूध पीने से? एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेते हैं देसी दवाई भी लेते हैं, रिकमेंड करते हैं डॉक्टर भी, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, क्योंकि आजकल मेनली बच्चों के लिए करते हैं सारे, क्योंकि दूसरा दूध बच्चों को पसंद है, एक्टिविटी है नहीं, इनका दूध 3 घंटे में आपके अपने आप बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक बात है। जैसे एक लाइक मेडिसिन में काम करता है, काम करता है। आपकी फार्मिंग में बहुत अच्छा यूज है इनका। चलो पहले बैलों का होता था, किसी का ट्रैक्टर आ गए, पर चलो ठीक है, बट अभी ब्रीडिंग के लिए रेडो के लिए कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी आ रहे हैं उसके अंदर, से आए धीरे धीरे प्रैक्टिस चल रही है, जो अब हो रही है वो बहुत पहले। ठीक बात है। और इनके जो बच्चे हैं इनका रख रखाव कैसे करते हैं? इनका खुद ही पहले दूध प्रॉपर ग्रैंड तक दूध पीते हैं, बेसिकली जो एक टच है कि दूसरे फार्म में क्या है, बच्चे को दूर कर देते हैं, बच्चा वो मार दिया और उसके लिए लगे, बट नहीं, ये गाय के उसके अंदर है कि आपको इनको दूध पिलाना ही पड़ेगा। अच्छा, उसके बिना गाय दूध ही नहीं। तो ये प्रॉपर जो पुराना सिस्टम बेसिकली मैंने जो किया है, जो पुराने लोगों की सोच थी वो मैं उसको अब उसमें पूरे उसमें लेके आया, जैसे पुराने लोग काम करते थे वैसे सही होते। अच्छा, तो आपको ये काम करने की जो आइडिया कैसे आया था कि मुझे ये काम कर? बना रहे थे शायद घर के लिए रखना था, तो करते 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 चलो देखते हैं, करके देखते हैं हो गया, ये अपने आप बाई था, कोई ऐसा अपने आप ही हो गया नहीं था। ये अपने आप बाई गॉड। और इतनी सारी गायें लेके आए कहाँ कहाँ से लेके आए? ये मैंने खुद ही तैयार किए, मतलब 6-7 गाय परचेज है, बाकी मैं खुद ही बच्चे लेके आया हूँ सेंटर ब्रीडिंग सेंटर। अच्छा, उनको बड़ा किया है? उनको मैंने बड़ा किया, 1 साल मैंने बच्चे पाले, पहले 1 साल बच्चे पाले हैं, दूध फिर उसके बाद आना शुरू, उसके बाद उसका धीरे धीरे थोड़ी बहुत गाय भी लेके आते रहे, सब कुछ